जैसे कि आपको कल एक क्वेश्चन था, वो क्या था कि जाति प्रथा। तो जो जाति प्रथा मतलब प्रथाएं तो बहुत सारी हैं, तो उनमें से जो एक जाति की परिभाषा अगर पूछी जाए, क्वेश्चन आपका आ रहा है कि जाति की परिभाषा दीजिए और उसकी विशेषताएं बताइए, या फिर प्रथाएं कितने प्रकार की होती हैं उनका वर्णन कीजिए, तो उनके अंतर्गत सारी प्रथाएं आ जाएंगे, या फिर केवल जाति को ही परिभाषित करना है और केवल उसकी विशेषताओं को ही बताना है। तो जो इन्होंने कहा जाति की परिभाषा, अब परिभाषा कि अगर बात करें तो बहुत से राइटर हैं, बहुत से राइटर्स ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने शब्दों का व्याख्यान किया है। सीधी सी बात है, अगर हम किसी चीज का अनुभव करते हैं तो हमारे शब्द दूसरे होंगे, अगर आप उसी चीज को अनुभव करेंगे तो आपके शब्द दूसरे हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि आप एक राइटर्स की डेफिनेशन लिखेंगे लेकिन सही लिखेंगे, चाहे वो आप हमारे लिए को या दूसरे के लिए को या तीसरे के लिए, मतलब इससे नहीं है, मतलब आपको किससे है कि हमें 10 नहीं देके किसी एक की देनी है, भले वो 2 लाइन की हो, ये जरूरी नहीं कि हम एक की दे रहे हैं वो 10 लाइन की हो, ऐसा कभी नहीं बताया है। और आप फिर से बता रहे हैं कि अगर अपने आपको क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करके देना है और अच्छे नंबर आपको पाने हैं, तो उसका सबसे एक बहुत आसान तरीका है कि हम किसी चीज में उलझे ना, बल्कि अपने आप को सुलझाने की कोशिश करें। तो वो सुलझने में हम क्या सुलझेंगे कि हम 10 ना याद करके किसी एक को अच्छे से याद करके उसका मैटर पूरा वही देंगे जो उसको चाहिए, मतलब जो क्वेश्चन उसने पूछा है हमें आंसर केवल उतना ही देना है। तो इसको किस तरह से हम याद करेंगे कि जो राइटर है रिजले कूले या फिर मैनसी या जितने भी राइटर हैं, तो हम उन 4 राइटर्स को ना लेकर के बल्कि एक राइटर की परिभाषा ले रहे हैं, कौन सी 2 लाइनों की, वो 2 लाइन कौन सी है, जैसे कूले द्वारा परिभाषा। तो उन्होंने क्या कहा, कूले के अनुसार जब एक वर्ग पूर्णता, जब एक वर्ग एक एक लाइन को समझते चलिए, जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है, वंशानुक्रम पर आधारित होता है, वंशानुक्रम पर आधारित होता है, तब उसे हम जाति कह सकते हैं। अब हम उसे क्या कह सकते हैं, वंशानुक्रम वंशानुक्रम में वंशानुक्रम इस परिभाषा में भी वंशानुक्रम को जाति की विशेषता माना गया है, जाति की जन्म
संबंधी नियम, संबंधी निश्चित नियम। इसके बाद में जो सबसे लास्ट पॉइंट है, पूर्व निश्चित व्यवसाय। पूर्व निश्चित व्यवसाय, ये इसके हो गए पॉइंट्स। किसके पॉइंट? जाति की परिभाषा के बाद जो इन्होंने विशेषता पूछी, बात यहाँ पे उसकी हो रही। तो जो सबसे पहला पॉइंट ने बताया कि जाति जन्म पर आधारित होती है। जाति पिता की है, मुख्य विशेषता है कि किसी भी व्यक्ति की जाति उसके जन्म पर क्या होती है, आधारित होती है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसको क्या होता है, उसी जात पर वो आधारित हो जाता है। मतलब वो हमेशा के लिए क्या हो जाता है, एक तय हो जाता है कि जाति का यह बच्चा है। फिर जो इन्होंने बात करी कि वो उसी जाति का सदस्य माना जाता है। ब्राह्मण परिवार के घर जन्म लेने वाला बालक ब्राह्मण ही कहलाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जाति जन्म पर आधारित होती है, ना कि कर्म पर। जो जाति है वो एक अलग चीज है और जो कर्म है वो बिल्कुल अलग चीज है, कर्मों पे आधारित नहीं होती। जाति जो है वो किस पे आधारित होती है, जन्म पे। विवाह संबंधी ये जो इन्होंने प्रतिबंध बताए, कौन कौन से प्रतिबंध, तो जाति पिता के अंतर्गत प्राय यह माना जाता है कि सभी विवाह संबंध अपनी अपनी जाति में ही स्थापित होते हैं। अंत जाति विवाह को अच्छा नहीं माना जाता है। ब्राह्मण लड़के का विवाह एक ब्राह्मण घर की लड़की के साथ ही किया जाता है, बाकी अगर उसके अलावा कोई करता है ऐसा तो उसको क्या है, समाज बहिष्कार करता है, या घर परिवार उसका क्या करता है, बहिष्कार करता, उसको अपनाता नहीं है। वो समस्या एक अलग होती है कि कभी आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे साथ भी ये समस्या उत्पन्न हो, क्योंकि आज जो जनरेशन चल रही है वो आने वाले कल में इससे और आगे जाएगी, ये बिल्कुल सच है। तो वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन जो सच है वो यही है कि विवाह संबंधी ये जो बात करी कि विवाह संबंधी प्रतिबंध, ये एक बिल्कुल निश्चित है कि ब्राह्मण घर के लड़के का विवाह ब्राह्मण घर की लड़की से ही होना अच्छा माना जाता है। बाकी करने को हम कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। अब इन्होंने कहा जाति क्या होती है, स्थाई होती है। मतलब जो जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की जो जाति होती है वो क्या होती है, स्थाई होती है। आर्थिक, राजनीतिक अथवा अन्य किसी दृष्टि से किसी भी उन्नति कर लेने पर जाति क्या होती है, परिवर्तित नहीं होती है। क्यों नहीं होती? बड़े से बड़ा राजनीतिक तथा सामाजिक नेता बन जाने पर शूद्र की जाति शूद्र ही रहती है, ब्राह्मण की जाति ब्राह्मणी रहती है, क्षत्रिय की जाति क्षत्रिय ही रहती है। मतलब वो किसी भी स्टेट में पहुंच जाए उसकी उस पर उसके जाति की जो एक मुहर लगी हुई है वो कभी भी नहीं मिटती है। जैसे कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि मायावती की जो जाति वो आज बदल गई क्योंकि आज वो उसकी सीट आज बदल गई है, इसलिए कल वो कुछ नहीं किया। हम सोच लें कि आज हम मान लीजिए मोदी की बात करें कि हाँ वो पहले कुछ और थे, आज कुछ और है, तो आज उनकी जात में, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो वो कल थे जाति उनकी जो कल थी वही आज है। उनका जो स्टैंडर्ड है वो कितना भी हाई हो गया, लेकिन जो एक उनकी पहचान थी वो उनको जाति के नाम से ही जाना जाएगा। अब इन्होंने बात करी कि ऊंच नीच की भावना, मतलब जो सबसे बड़ी बात ये है कि ऊंच नीच मतलब जाति व्यवस्था सामाजिक स्त्रीगण का एक स्वरूप है। जो इन्होंने कहा कि जाति जो है वो सामाजिक जो है उसका क्या है, एक स्वरूप निश्चित कर दिया गया है। कैसा स्वरूप? कि जाति व्यवस्था सामाजिक स्त्रीगण का स्वरूप है। इसके अंतर्गत पूरे समाज को विभिन्न उच्च एवं निम्न स्तरों से विभाजित किया जाता है। प्रत्येक जाति के व्यक्ति अपनी जाति की सामाजिक स्थिति के प्रति जागरूक रहते हैं। ब्राह्मण की जाति को सबसे ऊंचा माना जाता है और शूद्र की जाति को सबसे नीचा माना जाता है। लेकिन आजकल जो कंडीशन चल रही है वो क्या है, ना कोई ब्राह्मण बचा है ना कोई शूद्र बचा है। सच ये है कि आजकल सब एक दूसरे से बोलते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, साथ बैठते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं,
सच ये है, लेकिन जो एक कायदा कानून अगर नियम की बात करें तो ये वो यही है कि ब्राह्मण वर्ग को सबसे ऊंचा माना गया है और शूद्र वर्ग को सबसे नीचा माना गया है। लेकिन ये प्रथाएं धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद में जब हम कहा खान पान संबंधी निश्चित नियम, प्रत्येक जाति के खान पान संबंधी अपने कुछ नियम होते हैं। कुछ जातियां जो होती हैं वो मांसाहारी वर्जित हैं और कुछ जातियां जो होती हैं वो शाकाहारी, मतलब अगर हिंदू लोग जो होते हैं वो मांसाहारी भोजन नहीं करते हैं। कहा जाता है मुसलमानों में मांसाहारी ज्यादा आवश्यक माना गया है और हिंदुओं में शाकाहारी माना गया है। लेकिन स्थिति आज की क्या है कि चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम चाहे एक बार वो चीजें सारी ना खा रहा हो मांसाहारी में जो आज हिंदू खा रहा है। सच जो है उसका सामना आज नहीं कल वो आपको हमको सबको मिलकर करना ही है। तो जो एक सच्चाई के तौर पर अगर बात करी जाए, इसके क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमको वही आंसर देना है। पर इसके पीछे का जो एक सच है वो यही है कि जो अब किसी चीज में किसी चीज का कोई बंटवारा नहीं किया, ये हिंदू है ये मुस्लिम है सिख है ये ईसाई है, इसका क्या नियम है, कहीं कुछ नियम नहीं बचा, कहीं कोई कानून नहीं बचा। जिसको जो सही लगता है वो इंसान वो करता है। क्यों? क्योंकि पहले के लोग शायद कम पढ़े लिखे थे, आज लोग ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, इसलिए वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते। मतलब वो इतने अपने आप अपने माइंड को इतना शार्प रखते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो एकदम सही है। बाकी फिर उसके बाद में उन्होंने कहा जो लास्ट पॉइंट कि पूर्व निश्चित व्यवसाय। अब अगर व्यवसाय की बात करें जो इन्होंने कहा पूर्व निश्चित व्यवसाय, तो व्यवसाय क्या क्या है कि प्राय प्रत्येक व्यक्ति के व्यवसाय निश्चित हुआ करते थे। उदाहरण के लिए ब्राह्मण जाति के लोगों के लिए अध्ययन अध्यापन तथा यज्ञ आदि का पूर्व निश्चित है। क्षत्रिय का मुख का रक्षा तथा दुष्टों का निग्रह करना। फिर वैश्यों के लिए कृषि तथा व्यापार आदि व्यवसाय सुरक्षित माने जाते थे। शूद्रों का मुख का अन्य जातियों की सेवा करना। जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसे उसी जाति का व्यवसाय भी क्या किया जाता है, उसको उसी हिसाब से व्यवसाय दिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो यहीं पे खत्म हुआ, क्योंकि उनका क्वेश्चन कितना था केवल कि उसकी परिभाषा और विशेषताएं। अब इसमें तत्व अगर ऐड करना चाहे तो भी कर सकते हैं, या फिर एक ये परिभाषा छोड़ के स्पेशली अगर इसका अर्थ बताना चाहे वो भी बता सकते हैं। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि क्वेश्चन जितना पूछा जाए आपको आंसर केवल उतना ही देना है, जितना डिटेल में पूछे आपको उतना ही डिटेल बताना है अपने मन से, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं बताना है। क्योंकि ज्यादा डिटेल डिस्क्राइब करने में क्या होता है, गलत हो जाता है। तो आपको क्या आंसर गलत नहीं देना है, आंसर आपको बिल्कुल सही तरीके से सही लाइनों में सही स्टेप में आपको देना है या लिखना है या समझना है। बाकी इस क्वेश्चन के अलावा भी अगर आपको पिछले क्वेश्चंस में या इस क्वेश्चन में या आगे और जो क्वेश्चन आपको बताएंगे उनमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।